ने अजकाला हबीज खरबान तेरे ही जिंदाने अजल में तेरी अजल तेरी मौत बनकर आया है। जानती जकाला, मैंने तेरे मोहसिन सिंधबाद का जहाज समुंदर में गर्काव कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। चुप मर्दूद। समझ में नहीं आता कि आसिफ और कहकशां मुझे समंदर में नजर क्यों नहीं आ रहे। मेरा जहाज भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा जहाज आखिर समंदर में कहां गायब हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कहां ढूंढूं। अगर खुदा ने चाहा तो सफर के किसी ना किसी मोड़ पर मुझे मेरे साथी जरूर मिल जाएंगे। खुदा उन्हें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अब मुझे तन्हा ही अपनी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ना है। ऐ तिलिस्मी समुद्री कालीन, अब हमें जुनूब की सिमत में जाना है, जहां जहां ये सब रंग तिलिस्मी खोपड़ी इशारा करे वही रास्ता इख्तियार करो। चलो। जो हुक्म आका। शुक्रिया जकाला, तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ जकाला, तुम्हारी इस एहसान का शुक्रिया लफ्जों से अदा नहीं हो सकता। अगर तुम वक्त पर आकर जहाज को सीधा न करती, हम सबको बचा नहीं लेती तो हमारी लाशें भी न मिलती और मछलियां हमको हड़प कर चुकी होती। अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब इस शैतान खबीज खरबान ने मुझे बताया कि इसने सिंधबाद का जहाज गर्क कर दिया है तो मैं उड़ती हुई फौरन यहाँ चली आई। शुक्र है मैं तुम सबको बचाने में कामयाब हो गई। अब मैं सिंधबाद की तलाश में चलती हूँ। आका सिंधबाद बहुत दूर निकल चुके हैं जकाला। आसिफ, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और कहकशा को बचाने की कोशिश में आका सिंधबाद मुझसे बिछड़ गए। मगर शहजादी तस्वीर, सिंधबाद सही सलामत तो है। हाँ आसिफ, सिंधबाद ने तुम लोगों को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे और मजबूरन अपनी दूसरी मंजिल के सफर पर रवाना हो गए। मगर कैसे, जहाज तो यही है, आका सफर कैसे कर सकते हैं। तुम लोग मेरा तोहफा समंदरी तिलिस्म कालीन भूल रहे हो। सिंधबाद जरूर उस तिलिस्म कालीन पर ही सफर कर रहा होगा। हाँ जकाला, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा अब सिंधबाद के काम आ रहा है। लो देख लो, तुम सब भी देख लो, आका सिंधबाद बिल्कुल सही सलामत कालीन पर समंदरी सफर में है। शहजादी तस्वीर, खुदा का शुक्र है आका सिंधबाद सही सलामत है। ये फिक्र तो खत्म हुई, मगर हमें उनकी मदद के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके पास जाना होगा। हाँ अल्लाह सिर, अब शहजादी तस्वीर की मदद से हम आका सिंधबाद के पीछे जाएंगे। नहीं आसिफ, तुम्हारा जहाज समंदर कालीन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंधबाद जरूर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। जो भी हो, हमारा सिंधबाद तक पहुंचना जरूरी है। हाँ, वरना सिंधबाद कदम कदम पर हमारे लिए फिक्रमंद और परेशान होगा। हमें फौरन जहाज को जुनूब की सिमत में ले जाना होगा। मगर ये कैसे हो सकता है, इस वक्त जहाज को मरम्मत की जरूरत है।
तो ठीक है, अब इस खरबान की तबाही से जहाज में तो टूट फूट हुई है, पहले उसे दुरुस्त कर लिया जाए। आसिफ, इस फल को तुम अपने पास संभाल कर रख लो। इस फल में मैंने खबीस खरबान को अपने तिलिस्म से कैद कर दिया है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखो, ये लो। डरो नहीं आसिफ, इसे ले लो। जब तुम्हारा जहाज जजीराए जुल्मात से दूर हो जाए, तब इसे ऐसी जगह रख देना जहां किसी इंसान की नजर तक ना पहुंचे। मैं इस खबीज खरबान का साया तक भी जजीराए जुल्मात में नहीं देखना चाहती। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ इसे। अब सकाला को इजाजत दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया सकाला। कालीन और तेज चलो। पांच दिन हो गए, अब तक जहाज की मरम्मत नहीं हुई। आने दो बिन रज़ाक को, मैं उसकी मरम्मत करूंगी। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, ओ दिलरुबा, दिलरुबा, ओ दिलरुबा। जब देखो हाथ भर लंबी जबान लटकाकर दिलरुबा दिलरुबा का वजीफा पढ़ते रहते हो। दिलरुबा, बंद करो ये दिलरुबा का राग। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि जहाज की मरम्मत हो गई। नहीं होती तो मैं तुम्हारी मरम्मत कर देती। ये दांत क्यों दिखा रहे हो? वो बात ये है कि सारा दिन काम करके मैं थकान से चूर हो जाता हूँ ना, तो क्या मुँह से फूटो भी? तो तुम्हारे हाथों मरम्मत करवा के बदन को आराम मिलता है ना। हटाओ ये कालिक वाले हाथ, मुंह बिगाड़ दोगे मेरा, चुड़ैल लगोगी। चुड़ैल? चुड़ैल नहीं, चौदहवीं का चांद लगोगी। बस एक तिल लगाने दे, चौदहवीं का चांद। ये बार बार दांतों की नुमाइश मत करो मेरे सामने। देखते नहीं कि मेरा गुड्डा जजीरा जुल्मात में पड़े पड़े किस तरह उकता गया है। पांच दिन हो गए जहाज पर लौटे हुए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं दिलरुबा? उस कमबख्त सिंदबाद ने जहाज के कल पुर्जे ढीले कर दिए थे, उन्हें ठीक करते करते हम सब के अंजर पंजर ढीले हो गए थे। मगर मेरी समझ में नहीं आया था कि जब मैं एक पुर्जा ठीक करता था तो दूसरा पुर्जा अपने आप ही ढीला कैसे होता था। अब रहने दो ये गई गुजरी बातों का रोना धोना, और जल्द से जल्द जहाज को आगे बढ़ाने का हुक्म दो। मैं हुक्म देने के लिए ही तुमसे इजाजत लेने आया था दिलरुबा। कल अल सुबह लंगर उठाने का हुक्म देता हूँ। लंगर कल भी नहीं उठेगा सरदार। क्या बकवास करते हो दज्जाल? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, लंगर को कल भी नहीं उठाया जा सकेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि लंगर टूट गया है सरदार। लंगर टूट गया है? हाँ हाँ सरदार, और टूट कर समुंदर की तह में धस गया है सरदार। ये तो गजब हो गया, गजब।
बाहर लंगर के जहाज को हम जरूरत पड़ने पर कहीं भी रोक नहीं सकेंगे। और लंगर को समुद्र के कीचड़ से निकालने में कई और दिन लग जाएंगे सरदार। कई दिन लग जाएंगे? फिर आ गई श्यामत। क्या कहा उस्ताद? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जहाज में ये उलट फेर हो कैसे रहा है। मैं जानता हूँ सरदार, ये उलट फेर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वही सरदार, फितना। तू तो फितना सरदार। चुप कर कमबख्त। फिर शुरू कर दिया बकवास। तूतन फितना, तूतन फितना, नाम मत लो उस तूतन फितने का। और जाओ समंदर में गोता लगाकर लंगर को ढूंढ निकालो। जी सरदार। तूतन फितना, तूतन फितना, कान पक गए हैं ये नाम सुनते सुनते। है तू? आशीष तुम आ गए? हाँ कहकशां, जहाज की सारी खराबियां दूर हो गई हैं, मरम्मत भी हो चुकी है। अब हमें सफर के लिए तैयार होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ जहाज जल्द रवाना हो और हम इस जजीराए जुल्मात से दूर पहुंचकर इस सेब को किसी गुमनाम जजीरे की जमीन में दफन कर दें। मुझे इन शैतानी बलाओं से बड़ा डर लगता है। बस दो एक दिन की ही तो बात है। जहाज जैसे ही जजीराए जुल्मात के इलाके से दूर पहुंचेगा, इस सेब में कैद खबीस खरवान से हम छुटकारा पा लेंगे। मगर जहाज बगैर तुम्हारे हुक्म के आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा हुक्म? ये तुम क्या कह रहे हो अल्नासिर? हाँ, आका सिंदबाद तो है नहीं, इसलिए अब इस जहाज की रहनुमाई तुम्हें ही करनी होगी। ये जिम्मेदारी तुम्हें हर हाल में उठानी होगी। तो ठीक है, तो बताइए इस जहाज को किस रुख पर डाल दिया जाए? आका सिंदबाद ने जनूब की सिमत में सफर करने का इरादा किया था और हम जानते हैं कि वो उसी सिमत में सफर कर रहे हैं, इसलिए हम भी उनके पीछे जुनूब की तरफ ही चलेंगे। मुनासिब है। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, तू अगर बता सकती है तो बता कि मेरी दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल अब कितनी दूर है। सिंदबाद, मैं शाह जुलान कोकब की तिलिस्मी खोपड़ी अब तेरे कब्जे में हूँ, इसलिए मैं तुझे सियाह रंग की दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी का सही रास्ता बताने पर मजबूर हूँ। सिंदबाद, तेरे हर हुक्म पर, हर इशारे पर मैं पाबंद हूँ। तो ऐ सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी, बता मेरी दूसरी मंजिल अब कितनी दूर है। सिंदबाद, तेरे सफर की दूसरी मंजिल जजीराए चकमाक है। सिंदबाद, सियाह खोपड़ी जिसे तू हासिल करना चाहता है जजीराए चकमाक में ही मिलेगी। जजीराए चकमाक? हाँ सिंदबाद, जजीराए चकमाक जंगली और वहशी इंसानों, आदमखोर हैवानों के इस बस्ती में, जहाँ एक खौफनाक और एक खतरनाक जिन चकमाक की हुकूमत है। सिंदबाद, इंसानों और हैवानों की बस्ती जिस पर एक जिन हुकूमत करता है, तो क्या ये भी कोई तिलिस्मी दुनिया है? ऐसा ही समझ लो, उस जजीरे पर चकमाक जिन की हुकूमत है। चकमाक जिन उस जजीरे का बेताज बादशाह है। उस जजीरे का नाम चकमाक इसलिए है क्योंकि वहाँ चकमाक जिन की दहशत और हैवानियत, खौफ और शैतानियत लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। सिंदबाद हुकूमत करती है। जजीरा चकमाक यहाँ से कितनी दूर है?
तेरा ये तिलिस्मी और समंदरी कालीन बिजली की रफ्तार से चलता है। इसकी बर्क रफ्तारी के सबब सारी दूरियां सिमट गई हैं, घिसट गई हैं, फासले मिट गए हैं। सिंबाद, तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है। सुबह का ये सूरज जब सर पर आ जाएगा तो तुझे जजीरा चकमाक का साहिल नजर आ जाएगा। मगर 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 क्या? मगर मैं सोचती हूँ कि अभी अभी तो तू जजीरा जुल्मात की मुश्किलों और आफतों से बचकर आया है सिंबाद, फिर उस जजीरा चकमाक में अपनी मौत को दावत देने और अपनी जान खोने क्यों जा रहा है तू सिंबाद? तूने कराकरम के उस शाह आमरी का अंजाम नहीं देखा? वो बदनसीब भी जजीरा जुल्मात में एक मकसद लेकर आया था, मगर बेचारा जिंदगी से हाथ धो बैठा, अपनी मौत को गले लगा बैठा। लगता है तुझे भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है सिंदबाद। बस खामोश हो जाए तिलिस्मी खोपड़ी। इंसानी दिलों की बातों को समझना और जानना तेरे बस की बात नहीं है, और न ही तू इंसानी जज्बात को समझ सकती है। तू तो महज एक तिलिस्मी शय है। तू क्या जाने कि इंसानी दिलों दिमाग में जब कोई सौदा समा जाता है तो फिर वो अपनी जान पर खेलकर हर मुश्किल हर तूफान से टकराने को तैयार हो जाता है, अपने सर पे कफन बांध लेता है। उसके जीने का शौक और मौत का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। फिर उसे सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, उसका मकसद। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, मैं भी इंसानियत के उन वारिसों में से एक हूं जो इंसानियत को फना होने से बचाने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ा लेता है तो फिर किसी भी हाल में उनसे पीछे नहीं हटते। सिंदबाद, तुझे आफतों और बलाओं से टकराने का इतना ही शौक है तो फिर जा जा सिंदबाद, अपना शौक पूरा कर। चकमाक जिन और उसका जजीरा चकमाक तेरा इंतजार कर रहा है। ये ले चकमाक और रोटियां भी खा ले। चकमाक चकमाक, रोटियां ही रोटियां, ढेर सारी रोटियां। चुप रह बेहया नालायक, चुपचाप रोटियां खा ले। तू नाराज क्यों होती है माँ? मैं तो तेरे हाथों की बनी रोटियों की तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ कर रहा है? अरे मैं तो थक गई हूँ रोज रोज इन रोटियों का पहाड़ बनाते बनाते। अब मुझसे भरा नहीं जाता ये तेरा जहन्नमी पेट। ओह, मेरा तो खाना पकाते पकाते इस दिन दम ही निकल जाएगा, समझा? नहीं समझा माँ। नहीं समझा तो जा मर जा, या फिर मुझे ही खाकर खत्म कर दे। हाँ, तू कैसी बात करती है माँ? मैं तुझे कैसे खा सकता हूँ? मैं तेरा बेटा हूँ। हाँ, तू मेरा बेटा है? अरे तू जैसी औलाद होने से तो अच्छा है बे औलाद होना। भला कोई औलाद अपनी माँ को इतनी तकलीफ भी देती है? तो फिर क्या करूँ माँ, तू इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती है, मैं खाना खाते खाते थक जाता हूँ, पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता। सच बेटा, तुझे अगर अच्छा अच्छा खाने का शौक है ना तो तू तो शादी कर ले। शादी? हाँ हाँ शादी। अरे तेरे इस तिलस्मी गार में एक चांद जैसी बहू आ जाए तो मेरा इस खाना पकाने से पीछा छूट जाएगा। चांद सी बहू? ये चांद सी बहू कैसी होती है माँ? अरे वो तेरे जैसी बदसूरत डरावनी और भयानक नहीं होती है, समझा? नहीं, समझ गया माँ। तू चाहती है
कि मैं किसी परिजात से शादी करूं, मगर ऐसी बहू लाने कोकाफ जाएगा कौन? अरे कोकाफ जाने की क्या जरूरत है, तेरे जजीरे चकमाक में तेरा सिक्का चलता है। अरे तू तो बेताज बादशाह है, बादशाह। वो तो मैं हूँ। तेरे इस जजीरे पर आदमजात लड़कियों की कोई कमी है क्या? अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर परिजात की जगह ये आदमजात क्यों? अरे मैंने सुना है कि आदमजात लड़कियाँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। सच माँ? अच्छा बेटा, तो बस अब तू जल्दी से शादी कर ले और बस मैं तेरे सर पर सहरा देख लूं, उसके बाद मैं अपने कोकाफ चली जाऊंगी आराम से। हाँ तो ठीक है माँ, खाना पकाने वाली लड़की से शादी तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। क्या हुक्म है आका? तिलस्मी मुखबिर, मेरे लिए एक आदमजाद लड़की का इंतजाम।